प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। और छात्रों के कमेंट पर मैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें मैंने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। और जिन छात्रों ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग हिंदी का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और इनको करके ही जाना है। पहला क्वेश्चन है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर माना है, क्यों? दूसरा क्वेश्चन है, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? तीसरा क्वेश्चन है, कुब्जा कौन थी, इसका उद्धार कैसे हुआ? चौथा, बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी हथेलियों से स्पर्श नहीं करना चाहता, क्यों? पांचवा क्वेश्चन है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? छठवां क्वेश्चन है, मनु को हर्ष मिश्रित झटका क्यों लगा? सातवां क्वेश्चन है, पीताम्बर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? नौवां क्वेश्चन है, बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती है? दसवां क्वेश्चन है, कौआ और कोयल के उदाहरण से कवि क्या संदेश देता है? ग्यारहवां क्वेश्चन है, व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है? बारहवां क्वेश्चन है, निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है? तेरहवां क्वेश्चन है, कवि पद्माकर के अनुसार बसंत का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है? चौदहवां क्वेश्चन है, कवि ने वीरता के कौन से दो लक्षण बताए हैं? पंद्रहवां क्वेश्चन है, जब अहम पर चोट लगती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? सोलहवां क्वेश्चन है, जीवन संदेश कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। सत्रहवां क्वेश्चन है, दुर्बल को सताने का क्या दुष्परिणाम होता है? अठारहवां क्वेश्चन है, साधु से किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? उन्नीसवां क्वेश्चन है, कबीरदास जी ईश्वर से क्या मांगते हैं? बीसवां क्वेश्चन है, मानव जिस ओर गया उधर क्या हुआ? इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, चरेवेति जनगरवा कविता का मूल भाव आशय क्या है? 22वां क्वेश्चन है, युग के संग संग चलने की सीख कवि क्यों दे रहा है? 23वां क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना से कवि का क्या आशय है? 24वां क्वेश्चन है, मैंने आहुति बनकर देखा कविता का मूलाभाव लिखिए। 24वां क्वेश्चन है, मोम के बंधन सजीले से कवि का क्या आशय है? 25वां क्वेश्चन है, बुनियाद चरमराने से कवि का क्या आशय है? 26वां क्वेश्चन है, नई और पुरानी सभ्यता में क्या अंतर है? 27वां क्वेश्चन है, खाली पेट कविता में निहित व्यंग को समझाइए। 28वां क्वेश्चन है, जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ को दिए गए फल के रूप में क्या देने की घोषणा की? ये आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, जापानी युवक वाला जो क्वेश्चन है, मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है, इतने से ही आप समझ जाओगे। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की दो विशेषताएं कौन कौन सी है? 30वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की सर्वाधिक महत्व है या जरूरत है? तो आप इसको भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं? 32वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य ही है, इस उक्ति को स्पष्ट कीजिए। 33वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया है? 34वां क्वेश्चन है, परंपरा और आधुनिकता की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। 35वां क्वेश्चन है, आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, स्पष्ट कीजिए। 36वां क्वेश्चन है, आधुनिकता संप्रदाय का विरोध क्यों करती है? 37वां क्वेश्चन है, पंचभूत एवं पंचगव्य में क्या अंतर है? 38वां क्वेश्चन है, शरीर मिट्टी का बना हुआ है, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है?
39वां क्वेश्चन है, पहली चूक पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए। 40वां क्वेश्चन है, पारस में तेल बेचकर संस्कृत नहीं बोलते। 41वां क्वेश्चन है, लेखक समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है। तो ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों पर अपनी कड़ी नज़रें बनाए रखें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। तो इनको याद कर लीजिए, जिनने अभी याद नहीं किया है, या फिर जिनको याद है तो वो रिवाइज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तैयारी करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक आएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी आप इसको देखते रहें ताकि आपके बोर्ड परीक्षा तक आप इस चैनल से कनेक्ट रहें, ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।